नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है, जिसके चलते लोगों का बजट बिगड़ चुका है। क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो महंगाई का झटका, त्योहारी सीजन में सरसों 2500, रिफाइंड तेल 10 रुपये महंगा। त्योहारी सीजन में बाजार में सरसों तेल के दाम में भारी उछाल आया है। एक महीने में एक नामी कंपनी के तेल के दाम में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 185 रुपये लीटर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरसों तेल की सप्लाई कम होने के कारण दाम बढ़े हैं। रिफाइंड तेल में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट में यह तेल 110 से 120 रुपये लीटर बिक रहा है। त्योहारी सीजन में दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। बीते महीने बाजार में सरसों तेल का दाम 160 रुपये लीटर था, वहीं अब बढ़कर 185 रुपये लीटर हो गया है। उधर व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि एकाएक दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है। उधर चंद दिनों की राहत के बाद त्योहारी सीजन में टमाटर के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले कल राजधानी शिमला में टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिका। कम आपूर्ति दामों में बढ़ोतरी का कारण बताई जा रही है। वहीं वीरवार को सोलन में टमाटर 90, चंबा में 100, कुल्लू में 70, हमीरपुर में 80, बिलासपुर में 70 से 80, नाहन में 70 से 80 और रामपुर में 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिका। राजधानी की लोअर बाजार सब्जी मंडी में दिनों टमाटर सेब से भी महंगा बिक रहा है। रॉयल सेब 50 और गोल्डन सेब 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि टमाटर परचून में 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं उपनगरों में यही टमाटर 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। ये रही बड़ी खबर की त्योहारी सीजन में सरसों रिफाइंड तेल के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ टमाटर के दाम भी जो है प्रति किलो पर 100 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।